आप सभी का। गाइस एक मिनट रुकिए रुकिए प्लीज रुकिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बड़ी दुखदायी बात है। बात है केदारनाथ जाने वालों की। तो केदारनाथ मेरी बहन का लड़का गया था, वो जुड़वा में से एक है छोटा, और वो आर्मी कोई भी कोशिश कर रहा था, मतलब फॉर्म भर रहा था और कोर्स भी कर रहा था। और 8-9 साल से वो बचपन से ही स्कूल से जाने के बाद वो खाली समय में हड्डियों वाले डॉक्टर की भी पूरी उसने वो कर ली, पूरा कोर्स कर लिया और करने ही अभी भी अच्छी तरह से सीख रही था वो, और 8-9 साल से। तो यहाँ पर केदारनाथ जाता है एक लड़के के साथ में, और पंडित का लड़का होता है गांव में, और कोई ऐब नहीं होता है, इतना सा तंबाकू बीड़ी सिगरेट कुछ भी ऐब नहीं होता है दोनों में। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, पंडित के लड़के ने तो मतलब अपने फ़ोन को खोना बता दिया और दूसरों के फ़ोनों से ले लेके अपने माँ बाप से बात करता रहा, और मेरा जो बहन का लड़का था, मेरे बहन और बहनों ही दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और 10 दिन से लापता है वो। मेरी बहन के लड़के ने ही 100 नंबर पे कॉल किया था और बोला था कि मैं अंधेरा होने वाला है यहाँ पे और मैं केदारनाथ हूँ, सिर्फ इतना बोला, और मेरे फ़ोन की बैटरी जा चुकी है 100 नंबर पे कॉल करने के बाद। उसके बाद में वो नहीं उसका कुछ पता चला। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर आप इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर जो मैंने मेंशन कर रखे हैं इन दोनों नंबरों पे आप कॉल कीजिए। और ये दुष्यंत नाम का लड़का ही जो पीछे है आप देख सकते हैं, ये जो आप पोस्ट में देख रहे हैं, सभी को शेयर करने के बाद मुझे भी प्लीज़ ज़रूर बताइए कि अगर आप केदारनाथ से मुझे देख रहे हैं, कहीं से मुझे देख रहे हैं, पहाड़ों के इलाके से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप बताइए। और ये नंबर मैंने दे रखे हैं, इन नंबर पे कॉल करके ज़रूर बताइए, नहीं तो CBI जांच की मांग ज़रूर कीजिए। इस पोस्ट को शेयर करते हुए, इस वीडियो को शेयर करते हुए सभी को सरकार से थैंक यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे।